कार्यवाहक अतिथियों को भी नमस्कार। मैं आप सबको सबसे पहले महाविद्यालय में चल रही कोचिंग व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। महाविद्यालय में रेगुलर कोचिंग क्लासेस लगती है और लगभग 60-70 स्टूडेंट उसे अटेंड करते हैं। अभी 9 से 10 पर राजनीतिक विज्ञान की लगती है और 10 से 11 हिस्ट्री की क्लास लगती है और बहुत ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। इसी कोचिंग की मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। मेरे साथ एक भैया पढ़ते थे 12th क्लास में, तो वो अभी जयपुर कोचिंग कर रहे हैं। एक दिन वो महाविद्यालय में आए और मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू खुशबू यहाँ क्या कर रही है। मैंने कहा क्या क्या कर रही हूँ, पढ़ने आती हूँ और क्या। क्या महाविद्यालय में पढ़ाई होती है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं होती है, मैं तो 2 साल से आ रही हूँ और रेगुलर क्लासेस लगती है, सभी टीचर्स भी आते हैं, चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे 2 स्टूडेंट हो। टीचर्स ये नहीं देखते हैं कि आगे एक है या दो, वो अपने पढ़ाने का कर्तव्य पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके क्लासेस में कितने स्टूडेंट रहते हैं, तो उन्होंने कहा कोचिंग क्लासेस में लगभग 1500 स्टूडेंट रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर आप कहाँ बैठते हो, कि मेरी तो सबसे पीछे बारी आती है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा फिर आपको टीचर्स की आवाज़ कैसे सुनाई देती है? कहा बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए हैं। मैंने कहा तब तो आपसे ज़्यादा हमारी कोचिंग अच्छी है, आपको तो स्पीकर से सुनाई देता है लेकिन हमारे टीचर से हमारा डायरेक्ट सुनाई देता है और हम उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऐसा कहना मेरा उनकी आलोचना करना नहीं है, मैं बस बताना चाहती हूँ कि एक हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे फीस देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है तो हमें उसका उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरे भैया बहनों से निवेदन है, जब भी क्लासेस लगती है तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि बाहर खड़े खड़े बातें करते हैं, तो इनसे प्रॉब्लम्स सबको आती है। कक्षा अध्यापक उस क्लास को छोड़ के बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं बेटा कहीं और जाके बात कर, तो ये कितनी अच्छी कितनी बुरी बात है। आपके पेरेंट्स आपको आके बार बार किसी चीज के लिए मना करें और आप वही चीज करें तो आपको अच्छा लगेगा क्या? टीचर्स भी हमारे लिए पेरेंट्स ही है, जैसे घर में हमारे पेरेंट्स हमारी देख रेख करते हैं वैसे टीचर्स भी हमारी देख रेख करते हैं, हमें भी उनकी पालना करनी चाहिए, उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ही विश्वास के साथ इस कॉलेज में भेजते हैं, कभी भी उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आज यदि आप उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपके भविष्य आपके साथ भी ऐसा ही करेगी। धन्यवाद। मैं टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेस लग रही है, और जाखरलाल जी सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो समय समय पर यहाँ पे बौद्धिक विकास कार्यक्रम कराते हैं। मुझे बौद्धिक कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं सर, यहाँ पे कभी IAS सर आते हैं कभी कोई आते, मेरी भी इच्छा है मैं एक RS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी और एक दिन इसी कॉलेज में इसी मंच से मेरा भाषण का उद्बोधन होगा। धन्यवाद।